हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी स्मूदी बाउल, चॉकलेट बनाना स्मूदी बाउल। आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने एक बनाना लिया हुआ है, फ्रोजन बनाना है। इसको आप काट के फ्रिज में रख दीजिएगा एक घंटा पहले। अगर नहीं भी है फ्रोजन, इट्स ओके, आप फ्रेश बनाना भी डाल सकते हो। एक टेबल स्पून ये देखिए मैंने अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाला है। ये कर्ड है 3 to 4 टेबल स्पून। और ये फाइनली चॉप ये देखिए मैंने इसमें डाले हुए अखरोट हैं और ये बादाम है फाइनली चॉप। आप गार्निशिंग के लिए डालेंगे और हेल्दी भी बहुत होते हैं। और क्योंकि हमें बॉल को फुल फिलिंग भी बनाना है, एक टेबल स्पून अराउंड ये चिया सीड्स ली हुई है। एक छोटा सा टुकड़ा बनाना का फाइनली चॉप्ड है गार्निशिंग के लिए। मेरे पास ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी, ये थोड़ी सी मैंने ये भी काट ली है क्योंकि चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले हमने इसमें ये देखिए मैंने सबसे पहले इसमें ये देखिए हमने करना क्या है। सबसे पहले ये कर्ड है, ये इसको हम कर्ड को ये देखिए मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। देखिएगा कर्ड जो हो बहुत पानी वाला ना हो। तो ये बनाना डालेंगे इसमें और ये कोको पाउडर डाल दिया हमने इसमें और ये हम डाल देंगे ये देखिए हनी और इसको हम एक अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में चला लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में कर लिया है। अब हमारा ये रेडी हो गया, हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए इसको हम सारा बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और मैंने शायद मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में हनी बताना भूल गई थी, एक टेबलस्पून हनी भी डालेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप शुगर डालना चाह रहे हैं, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है या आप डाइटिंग के लिए नहीं खा रहे हैं, तो आप इसमें एक टेबलस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको ऊपर से गार्निश कर देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखिए इसमें हम सबसे पहले ये बनानास हैं, ये बनानास देखिए ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये मतलब आप या लंच टाइम पे भी इजीली इसको ले सकते हैं। आपका बिल्कुल जैसे ब्रेकफास्ट करा आपने या ब्रेकफास्ट में चाहे तो इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन कर रहा हो। ऊपर से थोड़ी सी हम डालेंगे ये देखिए स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, ऊपर से हमने डाल लिए चिया सीड्स को ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए चिया सीड्स के बेनिफिट तो ऑलरेडी मैं आपको एक बारी बता चुकी हूँ। चिया सीड्स को स्प्रिंकल कर दिया ऊपर से, ये नट्स डाल दूंगी। इतनी क्वांटिटी जो मैंने बताई है ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी एक बाउल बन जाता है एक बंदे के लिए। तो ये हमारा बाउल तैयार है। हम इसमें ऊपर थोड़ा सा ये देखिए कलर के लिए, बेसिकली मुझे स्ट्रॉबेरीज वैसे ही बहुत पसंद है तो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी और ऊपर से डाल दूंगी। ये हमारा बनाना चॉकलेट स्मूदी बाउल रेडी हो गया है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आपको पता है स्मूदी बाउल के बेनिफिट्स तो बहुत ही ज़्यादा हैं जो डाइटिंग कर रहे हैं। और आज के टाइम में समर सीजन में वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी खाने का मन नहीं करता, लगता थोड़ा रिफ्रेशिंग सा खा लो, हल्का सा खा लो, तो स्मूदी बाउल इंस्टेंट बनता है। आप तुरंत बनेगा, तुरंत बनाइए, तुरंत फ्रेश खाइए और आप बना के ट्राई करिए और ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसा लगा। और जो चॉकलेट लवर है उनको तो ये स्मूदी बाउल बहुत ही यम लगेगा। चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। ये देखिए हमारा स्मूदी बाउल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आइए इसको खाते हैं और आप भी बनाइए, ट्राई करिए और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बाकी मेरे आप और वीडियोस भी अगर देख रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं
YouTube पे, Instagram पे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से फैमिली के साथ शेयर करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।